हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रॉडकास्ट बॉम। पिछले वीडियो में हमने कवर किया है नंबर्स और टाइम के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस, और उसके ऊपर हमने बहुत सारा डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे, वीक और मंथ्स के बारे में। तो चलो हम जानते हैं डे, वीक्स और मंथ। बहुत आसान है, आप इसे नोट कीजिए ताकि आपको ये हमेशा याद रहे, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत बेसिक अंग्रेज़ी में हमेशा होती है। बेसिक अंग्रेज़ी और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ का होने वाले ये शब्द, ये डे, वीक, मंथ्स, ये हमेशा हमारी ज़िंदगी में यूज़ होने वाला है। तो आप इसे नोट करके लिख लीजिए, इसके स्पेलिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन, और इसको आप याद कर लीजिए, तो ताकि आपको इसको यूज करने में आसानी हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डे, डे का मतलब होता है दिन, DAY, डे का मतलब होता है दिन। अब दिन के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो हम टुडे, टुडे का मतलब होता है आज, TODAY, टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। यस्टरडे, अभी, टुमारो और यस्टरडे, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब या टेंस, हम लोग जिस हिसाब से, जिस कॉन्टेक्स्ट में बैठे हैं और सोच रहे हैं, वो हिसाब से हम तय करेंगे कि कल को हम क्या बोलेंगे, यस्टरडे या टुमारो। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन, टुमारो को मतलब होता है आने वाला दिन। दिन, बीता हुआ दिन का मतलब होता है यस्टरडे, आने वाले दिन को कहते हैं कल, और दोनों को भी कहते हैं कल कल। उसके बाद आता है डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे, ये दोनों को भी कहते हैं परसों। अब डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है टुमारो के बाद वाला दिन, टुमारो के बाद आने वाला दिन, मतलब तो उसको हम कहेंगे परसों। और डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे को हम कहेंगे, मतलब यस्टरडे के और पहला वाला दिन को हम कहेंगे परसों। उसके बाद आता है वीक, वीक को बोलते हैं हफ्ता। उसके बाद आता है दिस वीक, दिस वीक मतलब इस हफ्ते, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते, नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, 2 वीक्स 2 हफ्ते, फिर आएगा मंथ्स, मंथ का मतलब होता है महीना। फिर आज हम यहाँ पे डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के 7 दिन को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, देर आर 7 डेज इन अ वीक, तो डेज ऑफ द वीक, एक वीक में 7 दिन होता है। तो सबसे पहले SUNDY, SUNDAY, संडे, संडे को हम कहेंगे इतवार या रविवार, बहुत सारे लोग इतवार भी बोलते हैं, रविवार भी बोलते हैं, तो हम कहेंगे इतवार। फिर उसके बाद आएगा MONDAY, मंडे, मंडे का मतलब होता है सोमवार। TUESDAY, ट्यूसडे, ट्यूसडे का मतलब होता है मंगलवार, मंगल, मंगलवार को बहुत सारे लोग मंगल भी कहते हैं। उसके बाद आता है WEDNESDAY, वेंसडे, वेंसडे का मतलब होता है बुधवार या बुध, उसको बुधवार भी और बुध भी कहा जाता है। उसके बाद आता है थर्सडे, THURSDAY, इसको बोलते हैं थर्सडे, थर्सडे का होता है गुरुवार, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। उसके बाद आता है फ्राइडे, FRIDAY, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार, शुक्रवार में हम FRIDAY, शुक्रवार। उसके बाद आता है लास्ट, 7th, SATURDAY, सैटरडे, शनिवार, शनिवार को हम कहेंगे अंग्रेजी में सैटरडे। उसके बाद आता है, उसके बाद ये हुआ वीक के कुछ 7 दिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे महीना, महीना मतलब, महीना को हम इंग्लिश में क्या करें कहेंगे मंथ, MONTH, मंथ का होता है महीना। अब JANUARY, जनवरी को हम कहेंगे
जनवरी। FEBRUARY फेबररी फेबररी को हम कहेंगे फरवरी। MARCH मार्च, मार्च को हम कहेंगे मार्च। APRIL अप्रैल, अप्रैल को हम कहेंगे अप्रैल। MAY मई को हम कहेंगे मई। JUNE जून, जून को कहेंगे जून। उसके बाद जुलाई, JULY जुलाई, जुलाई को हम कहेंगे जुलाई। AUGUST अगस्त, अगस्त को हम कहेंगे हिंदी में अगस्त। SEPTEMBER सितंबर, सितंबर को हम कहेंगे सितंबर। OCTOBER अक्टूबर मतलब अक्टूबर। NOVEMBER नवंबर, नवंबर। DECEMBER दिसंबर। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने कुछ कुछ लिखा है, कुछ लाइनें लिखी है जिसे आप हमेशा ज़िंदगी में आप याद रखिए, ताकि ये हमेशा यूज़ होने वाला और इसे हमेशा हमें याद रखना ही होता है। ये ज़िंदगी का एक तथ्य है कि हमें इसे ही याद रखे बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हम शुरू करते हैं। देर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। कितने? एक मिनट में 60 सेकेंड। फिर उसके बाद आता है देर आर 60 मिनट्स इन अ आवर, मतलब एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। देर आर 60 मिनट्स इन आवर, मतलब 60 मिनट होते हैं एक घंटे में। देर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक घंटे में 24 आवर्स होते हैं, मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक 24 घंटे के घंटे को कुल मिलाकर होगा एक दिन। फिर उसके बाद आता है देर आर 7 डेज इन अ वीक, तो एक वीक में 7 दिन होते हैं, जो हमने अभी जिसके ऊपर डिस्कस किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 दिन जो है वो उसे हम कहेंगे वीक। वीक को बोलते हैं सप्ताह। तो एक वीक में हम 7 दिन, एक वीक में 7 दिन होते हैं। उसके बाद आता है देर आर 4 वीक इन अ मंथ, नॉर्मली एक मंथ में 4 वीक होते हैं। 4 वीक, एक वीक 7 दिन का मतलब 28 दिन हो जाते हैं। तो कभी कभी पांचवा भी आता है, पांचवा वीक भी आता है, लेकिन नॉर्मली 4 वीक। तो देर आर 4 वीक इन अ मंथ, तो एक मंथ में 4 वीक मतलब 4 सप्ताह होते हैं। देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो एक ईयर में 12 मंथ होते हैं या 12 महीने होते हैं। एक साल के अंदर, एक साल में 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मंथ को मिलाकर एक ईयर होता है। तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं, और इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में तो ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाला है। तो हमें इस चीज़ को नोट करके, लिख कर, अगर दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट हो या फिर ऐसे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में ना आता हो तो प्लीज़ रिपीट, मतलब दूसरी बार भी देखिए इस वीडियो को। रिपीट रिपीट देखोगे तो आपको ये चीज़ें अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, और फिर आप इसको रटने की ज़रूरत नहीं, आप अंडरस्टैंड करना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।
सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे नेक्स्ट कोई भी लेक्चर या नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनाने से पहले आपको मैं वो कमेंट के बारे में या कमेंट पर रिप्लाई करूँगा, या फिर उस कमेंट की वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।